करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान शुरू करो very oh हेलो welcome for this वेलकम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड इन दिस वीडियो गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी स्पेसिफिक issue जो हर बच्चे के साथ इस समय आज की डेट में है सर स्पीड एक्यूरेसी क्या करूं किसके ऊपर concentrate करूं क्या करना चाहिए और उसको कैसे इंप्रूव करना चाहिए सो सो इन दिस क्रिस्प वीडियो वी आर गोइंग टू टू टॉक अबाउट एलिमेंट्स स्पीड एंड एक्यूरेसी आंसर इज दैट दोनों रिक्वायर्ड हैं इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि सर क्या सिर्फ अकेले से काम होगा नो स्पीड इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड एंड एक्यूरेसी एनी गिवन डे इज मोर इंपॉर्टेंट बट जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तब जाके आप पेपर में हाई स्कोर ला पाते हैं टू गेट दैट नाइंटी नाइन परसेंट क्लब राइट सो बोथ आर रिक्वायर्ड पर सर जब मैं दोनों को ट्राई करता हूं तो मैं दोनों में ही फ्लैट हो जाता हूं ना मेरी स्पीड आती है और मेरी एक्यूरेसी उल्टा डाउन हो जाती है जब मैं अननेसेसरी स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं क्या आप लोगों के साथ ऐसी इशू है कि आप जब स्पीड इंक्रीज करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी फॉल डाउन हो जाती है ठीक है ना सो दैट इज आई हैव सीन अ वेरी वेरी परसिस्टेंट इशू सो हाउ टू इंप्रूव ऑन दिस क्या करें सर जिससे इसके ऊपर इंप्रूवमेंट करी जा सके सो so, देखिए दोनों चीजें चाहिए दोनों चीजें जब चाहिए होती है तो क्या होता है जब बहुत ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं तो ऑब्वियस आंसर इज दोनों को करने में टाइम लगता है हम दोनों को एक दिन में मास्टरी नहीं कर सकते हैं सो so, मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोरिलेशन हियर इस कोरिलेशन से पहले एक और चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कितनी बार आपका ऐसा कभी कुछ हुआ है कि आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे अब तो हम लोग ऑनलाइन हैं ऑफलाइन नहीं है नहीं तो इलेवंथ करिए जो ड्रॉपर है वो ट्वेल्थ का सीन याद करिए कि आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और आपका कोई इंटेलिजेंट uh, दोस्त आके आपको बताता है या टॉपर दोस्त आपको आगे बताया अरे यार, यार ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगा बड़ी जल्दी हो गया आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने में तीन मिनट लगे वो उसने थर्टी सेकेंड में कर दिया एंड नाउ यू आर वंडरिंग सलाह ये कैसे हो गया है ना सो so, पहली बात टॉपर्स का दिमाग कुछ अलग से नहीं चलता है जरूरी भी नहीं होगा कि उन्होंने कोई शॉर्टकट फॉर्मूला लगा के कर लिया होगा बट हाँ उन्होंने कुछ एक ऐसी जरूर अप्रोच फॉलो करी होगी जो शॉर्टकट टाइप की होगी बट है मिसिंग पॉइंट so? so हम जान पूछ के स्पीड बढ़ाते हैं कभी कभी हम जान पूछ के एक्यूरेसी जैसे हम बैठे होते हैं ठंडे वैसे बैठे रहते हैं वो गलती हमें नहीं करनी है अगर हम सोते भी रह जाएंगे ना

तब आपको उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अपना शॉर्टकट खुद से दिखना शुरू हो जाता है बट वो कब आता है जब आप ठहराव से वेन यू गिव एनफ टाइम टू क्वेश्चन सोल्विंग आप उसमें भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं जो आप आप बेसिक क्वेश्चन करते हैं उसमें भी आप जल्दी जल्दी में लगे हुए हैं सोल्यूशन देख लिए डाउट देख लिए ऑनलाइन जाके देख लिए देन बोथ ऑफ देम विल नॉट बी ट्रू फॉर यू जब आप एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए अगर मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं तो इसको मैं ही सोल्व करूंगा विदाउट दी हेल्प ऑफ सॉल्यूशन। इन दैट प्रोसेस आपके क्या होंगे एक दो तीन डिफरेंट डिफरेंट अटेंट आप ट्राई करेंगे क्यों जब आप अगली बार क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वो चार मेथड भी याद आएंगे अच्छा देखिए वाला कराता यह नहीं चलाता नहीं चला था यह वाला अप्रोच लगाता हूं यह सबसे पहले सोल्व करता है आप नहीं, मैं बिल्कुल लीनियर वे में चलूंगा

स्पीड में ना कि स्पीड एंड एक्यूरेसी बट सर फिर भी मैं ये करता हूं पर फिर भी मेरी शायद स्पीड नहीं होती है अब स्पीड के लिए क्या है ये डेली गेम है आपको लगता है कि सर हम लोग जो है ना प्रैक्टिस करेंगे पेपर जब आसपास आता है तब हम लोग स्पीड स्पीड रोते हैं नो इट हैपन दैट वे हम ह्यूमन रहे यार रोबोट्स नहीं है कि ऑन ऑफ का बटन दबाया और आप लोग भागना शुरू हो गए किसी ना किसी तरीके से आपको करना क्या पड़ेगा यहां पर इट्स अ डेली रूटीन तो डेली रूटीन में स्पीड के लिए क्या करेंगे वो मेरी एडवाइस सुनिए पिक वन आर थर्टी क्वेश्चन डेली डोंट वेट फॉर एनी एग्जाम और एनी मॉक टेस्ट आप जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप मिक्स करना चाहते हैं मिक्स कर लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप मैथ्स का करना चाहते हैं फिजिक्स का करना चाहते हैं केमिस्ट्री का एक घंटे में थर्टी क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा स्पीड मोड में इसमें मेरी एक्यूरेसी टारगेट नहीं होगा इसमें मेरा टारगेट होगा सिर्फ अपनी स्पीड इंक्रीज करना अपना बॉडी मैकेनिज्म तेज करना लास्ट के टाइम पे एकदम से आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं ये याद रखिए अगर आपकी स्पीड भागने की एक तरीका है ना वो उसी तरीके से आप भागोगे आपको बोला जाए जाओ आप क्या करो रेस में पार्टिसिपेट करो ठीक है जाओ मैराथन रनो नहीं कर पाओगे आप पार्टिसिपेट आप थ्री या फंड्रेड मीटर रेस नहीं जीत पाएंगे

The fundamental says accuracy first, then speed and improving both of them. You have to understand the questions and solve them on your own. Where doubt solving will be done by you, not by any app or any teacher. तब जाके तरक्की होती है तब जाके आपके वो shortcuts ऑटोमेटिकली दिमाग में शॉर्ट सर्किट की तरह नाचते हैं होता है ना बहुत सारे बच्चे आते हैं और बोलते हैं ये यार ये वैल्यू डालिए करिए, करिए, करिए करिए वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि जब क्वेश्चन solve करते हैं वो खुद सॉल्व करते हैं जबकि वो लिमिटेड पढ़ते हैं ऐसे लोग आपने कभी नोटिस करो वो बहुत लिमिटेड पढ़ते हैं ज्यादा पढ़ाकू कीड़े नहीं होते हैं राइट right? बट क्यों क्योंकि जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं वो अपना पूरा दिमाग लगाते हैं उसे एक क्वेश्चन के ऊपर उनको अपने आप वो शॉर्टकट्स दिखने शुरू हो जाते हैं एंड दैट दैट कम्स विद प्रैक्टिस सो ट्राई डूइंग ऑन अ डेली बेसिस फॉर थर्टी क्वेश्चन डेली नहीं कर पाते पातेनेट डे पे करिए बट इसको रूटीन बनाइए अपना तब जाके आपकी एक्यूरेसी और स्पीड इंप्रूव होगी ठीक एंड अब दी ऑल यू शुड हैव पेशेंस प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि सर मैंने दो दिन से कर रहा हूं कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही किसी को पंद्रह दिन लगेंगे किसी को इंपैक्ट देखने में एक महीना किसी को इंपैक्ट देखने में दो महीने पेपर अभी दो महीने से ज्यादा दूर है तो यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू इंप्रूव बोथ एक्यूरेसी एंड स्पीड बिकॉज पेपर इज अ मिक्स ऑफ बोथ एक से काम नहीं चलेगा ऑब्वियसली एक्यूरेसी इज सुप्रीम बट स्पीड इज एक्चुअली अ वेरी वेरी क्रूशल फैक्टर जब हाई स्कोर की बात करते हैं ना तो ये दोनों काम बहुत आते हैं अगर आपको कट ऑफ वगैरह काम चल जाएगा बट आपको तीन 300 में से दो 200 प्लस का टारगेट है इस really, really तो ठंडे दिमाग से पढ़ाई करते रहिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है एंड दोबारा रिकॉर्ड करा क्योंकि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, में से गलत हो गया था करत करत अभ्यास के जड़मती हो रस्सी परत निशान ये लास्ट लाइन क्या है अगर आप एक रोप को ऊपर नीचे एक बंदा उधर से पुल कर रहा है लगातार ऑन ए रॉक आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ इयर्स, इयर्स, डेज नहीं, years, उस रॉक पे भी निशान पड़ जाता है इनफैक्ट ये तो रस्सी थी रोप थी आई विल शो अ वीडियो टाइम अदर, ऑन सम अदर ओकेजन वेयर सिर्फ पानी की ड्रॉप से तक रॉक पे क्या हो जाती है निशान बन जाते हैं इट टेक्स 50 इयर्स, 25 इयर्स, इतना लंबा लंबा जस्टेशन पीरियड होता है बट हमारे पास उतना लंबा वेट नहीं करना है सो so, प्लीज करत करत अभ्यास के जड़मती हो मेरी मां देख रही होगी तो बहुत खुश हो रही क्योंकि मेरे को यही डायलॉग हर हफ्ते सुनाई दिया जाता था सो so, प्लीज ये काम आप भी रखिए एंड दिस इज दार्ड कोर ट्रुथ ऑफ आर लाइफ जब तक आप काम करते रहेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक आपकी इंप्रूवमेंट होती रहेगी जिस दिन आप ये पेडल हटा देंगे उस दिन आपकी तरक्की रुक जाएगी क्लियर गाइज एट द एंड ऑफ द डे हम सबको करना क्या है पेपर फोड़ना है ये चीज कायम रखनी है इससे हमें हटना नहीं है गॉड ब्लेस यू ऑल पेपर फोड़ना जरूर कमेंट करिएगा अगर वीडियो को आप रिलेट कर पाते हैं तो गॉड ब्लेस सी यू द नेक्स्ट वीडियो